नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, हम फिज़िकल केमिस्ट्री में लिक्विड स्टेट पढ़ रहे थे। इसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लिक्विड क्रिस्टल। वहाँ हमने देखा कि जब हम किसी कुछ सॉलिड्स को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह पहले एक निश्चित टेम्परेचर पर टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और जब इस टर्बिड लिक्विड को और हीटिंग दी जाती है तो वह ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस टर्बिड लिक्विड की प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड के समान होती है, अर्थात ये अनाइसोट्रॉपिक गुण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। अब इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल की स्टडी से पता चला कि इन लिक्विड में अवयवी अणुओं की व्यवस्था अलग अलग होती है, और इन अणुओं की व्यवस्था के आधार पर लिक्विड क्रिस्टल को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल और न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ हम देखेंगे। सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में मॉलिक्यूल पैरेलल सीक्वेंस में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और ये लेयर एक दूसरे से निश्चित डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती हैं, जबकि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में मॉलिक्यूल पैरेलल सीक्वेंस में तो व्यवस्थित होते हैं लेकिन इनमें लेयर्स नहीं पाई जाती, तथा मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट भी इररेगुलर होता है। इस इररेगुलरिटी के कारण ये मॉलिक्यूल सिमेटिक लिक्विड की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का प्रभाव सामान्य लिक्विड के समान नहीं मिलता, जबकि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का प्रभाव सामान्य द्रवों के समान पाया जाता है। अर्थात न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का प्रवाह सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की अपेक्षा अधिक आसानी से हो जाता है। इसके अलावा सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में विस्कोसिटी कंसेप्ट लागू नहीं होता, जबकि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में विस्कोसिटी कंसेप्ट लागू होता है। लेकिन न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में विस्कोसिटी सामान्य लिक्विड की अपेक्षा कम पाई जाती है। इसके अलावा सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में न्यूटनी प्रवाह नहीं पाया जाता, जबकि न्यूमेटिक क्रिस्टल में न्यूटनी प्रवाह उपस्थित होता है। इसके अलावा सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जनरल क्रिस्टल के समान एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं, जबकि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न में सिमेटिक लिक्विड के समान ही समानता प्रदर्शित करते हैं। सिमेटिक और न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल दोनों अनाइसोट्रॉपिक का गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में अनाइसोट्रॉपी सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की अपेक्षा कम पाई जाती है। इसके अलावा सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल यूनीएक्सियल होते हैं, जिन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में मॉलिक्यूल यूनीएक्सियल होते हैं, जिन पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है। अर्थात टर्बिड लिक्विड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वह ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, और यदि मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए तो उस लिक्विड में फिर से टर्बिडिटी शो होती है। इसके अलावा सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, डिस्पर्सन करते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पर डिस्पर्स रेडिएशन की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, जबकि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में डिस्पर्सन देखने को नहीं मिलता। लास्ट में इनमें यदि हम एग्जांपल देखें तो सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के एग्जांपल हैं
एन ऑक्टेल पैरा एजॉक्सी सिनामेट, एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट, एथिल पैरा एजॉक्सी सिनामेट आदि। और डेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं पैरा एजॉक्सी एनिसॉल, पैरा एजॉक्सी फेनिटॉल, डाई बेंजाइल बेंजिडीन, पैरामेथॉक्सी सिनेमिक एसिड आदि। तो ये तो बात हुई लिक्विड क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन की, जो मेनली बेस्ड है मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर। इसके अलावा फिर नेक्स्ट टर्म आती है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या होते हैं ये? कुछ ऐसे लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जिसमें मोस्टली करेक्टर न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के समान होते हैं, लेकिन वे कुछ लक्षणों में सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल से भी समानता दर्शाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के समान ही लेयर्स के रूप में प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये पोलराइज्ड प्रकाश में एक विशेष प्रकार का कलर शो करते हैं। तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जिसमें निमेटिक और सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल दोनों के गुण प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। और इसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रिल बेंजोइट, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 145 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मेल्टिंग पॉइंट होता है 178 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद एक नेक्स्ट नई टर्म हम पढ़ेंगे, मिक्स्ड क्रिस्टल कंपाउंड्स विच एक्सिबिट बोथ सिमेटिक एंड निमेटिक करेक्टर नॉन एज मिक्स्ड क्रिस्टल। तो व्हाट इज़ द मिक्स्ड क्रिस्टल? सॉलिड स्टेट में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हीटिंग देने पर एक निश्चित टेम्परेचर पर सिमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद यदि इनको और ज़्यादा हीटिंग दी जाती है तो ये निमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक निश्चित ताप पर ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, ऐसे कंपाउंड जिन्हें हीटिंग देने पर पहले वे सिमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद और अधिक हीटिंग देने पर निमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और फाइनली वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनाते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल को कहा जाता है मिक्स्ड क्रिस्टल। इस प्रकार के कंपाउंड्स के तीन तीक्ष्ण ताप होते हैं, जिनमें दो ट्रांजिशन टेम्परेचर और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रिल माइरिस्टेट। जब इसको हीटिंग दी जाती है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पहले कोलेस्ट्रिल माइरिस्टेट सिमेटिक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसको थोड़ा और अधिक हीट करने पर, अर्थात 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह निगमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। और इसको कुछ टेम्परेचर और देने पर, अर्थात 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यह ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रॉपर्टी जनरली उच्च कोलेस्ट्रिल एस्टर्स में पाई जाती है। तो इसके अलावा कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो दो सिमेटिक लिक्विड फेज और एक निमेटिक लिक्विड फेज से गुजरते हैं, अर्थात इनके कुल चार तीक्ष्ण टेम्परेचर होते हैं, जिनमें तीन ट्रांजिशन टेम्परेचर होते हैं और एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। यह गुण भी उच्च कोलेस्ट्रिल एस्टर में पाया जाता है, जैसे एथिल एनिसॉल, पैरा अमीनो सिनेमेट। तो ये बात हुई मिक्स्ड क्रिस्टल की। उसके बाद इसी में लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे इनके ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल गुणों के कारण इनका एप्लीकेशन पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में यूज़ किया जाता है, जैसे नंबर डिस्प्ले में। यदि हम निमेटिक लिक्विड की एक थिन लेयर को
दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल एक व्यवस्थित संरचना से निकल जाते हैं और लिक्विड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव किया जाता है तो लिक्विड फिर से हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम डिजिटल वॉच, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आदि में। इसके अलावा इसका सेकंड एप्लीकेशन पार्ट है मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर, थर्मोग्राफी। सॉलिड क्रिस्टल के समान ही लिक्विड क्रिस्टल भी प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। रिफ्रैक्टेड रेडिएशंस का कलर ही क्रिस्टल का कलर माना जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के बीच डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप रिफ्रैक्टेड रेडिएशन का कलर भी चेंज हो जाता है। और उनके इसी गुण का उपयोग हम करते हैं बॉडी टेम्परेचर के मेज़रमेंट में। और यह प्रोसेस कहलाती है थर्मोग्राफी। लिक्विड क्रिस्टल के इस गुण का उपयोग हम शरीर के किसी भाग में ट्यूमर की स्थिति ज्ञात करने में भी करते हैं। इस प्रोसेस में किसी सूटेबल लिक्विड क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंसर्ट करवाई जाती है। उसके पश्चात बॉडी के उस पार्ट पर हाई एनर्जी वाले रेडिएशन डाले जाते हैं। रेडिएशन डालने पर रिफ्रैक्टेड रेडिएशन का स्टडी हम डिटेक्टर की सहायता से करते हैं। चूँकि ट्यूमर से प्रभावित बॉडी के उस पार्ट का टेम्परेचर बॉडी के अन्य भाग से डिफरेंट होता है, अतः इस पार्ट से परावर्तित रेडिएशन की वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है, जिसके कारण हमें उस क्षेत्र विशेष में ट्यूमर का पता चलता है। इसके अलावा लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग 7 सेगमेंट सेल में लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। तो आज हमारा ये चैप्टर लिक्विड स्टेट कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।